हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दीवार में होल करने का यानी गुल्ली पेच लगाने के लिए जुगाड़ जुगाड़ विधि से आज हम आपको बताएंगे कि गुल्ली पेच आप कैसे लगा सकते हैं बिना ड्रिल मशीन के और होल करने का जुगाड़। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में फटाफट आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप होल कर सकते हैं और गुल्ली पेच का जुगाड़ लगा सकते हैं, गुल्ली पेच कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस जुगाड़ में आपको एक पेचकस लेना है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप जिस पेचकस का इस्तेमाल करेंगे वो पेचकस आपका फिर दोबारा से स्क्रू कसने के काम नहीं आ सकता है, ख़राब हो सकता है और मुड़ सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से जुगाड़ को तैयार करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कोई सा पेचकस ले लेना है, और आपके पास अगर कोई ख़राब पेचकस है यानी ख़राब स्क्रू ड्राइवर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे पेचकस को ही ख़राब करें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ हमारे पास पेचकस है और यह अच्छा पेचकस है, और इसकी जो है कि सहायता से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसे जो है कि दीवार में होल करके गुल्ली पेच बनाया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हैंडल निकल चुका है। तो इस जो है कि प्रक्रिया को करने के लिए चाहे आपके पास वो हैंडल निकालने वाला पेचकस हो या फिर हैंडल लगा हुआ पेचकस हो या फिर कई सारे पेचकस ऐसे होते हैं जिसमें हैंडल तो फिक्स होता है लेकिन पीछे से लोग चोट लगा लगा के जो है कि उसको ख़राब कर देते हैं और जो है कि वो फट चुका होता है, पीछे से लोहा दिखता है। तो अगर ऐसा भी पेचकस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ख़राब ही पेचकस का इस्तेमाल करना है, अगर आप सही पेचकस का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेचकस ख़राब हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रॉड का उपयोग है, इसमें हैंडल का कोई विशेष उपयोग नहीं है। और इसको उपयोग करते समय आपको प्लास यानी कम्बिनेशन प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना है कि इसको कम्बिनेशन प्लायर से यानी प्लास से पकड़ना है, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ किस तरीके से आपको कहीं भी होल्ड करना है। अगर आप इधर प्लस साइड से होल करेंगे तो भी आपका होल हो सकता है, और इधर जो है कि आप देख सकते हैं कि प्लस वाले साइड से भी कर सकते हैं और इधर माइनस वाले साइड से भी कर सकते हैं। इस साइड से भी आप होल कर सकते हैं और इस साइड से भी। तो आपको जिस साइड से करना है उसको आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अगर इस साइड से आपको करना है तो इसको नीचे रख लेना है दीवार पर, और यहाँ आप जो है कि हथौड़ी से प्रहार करेंगे। इस पर हथौड़ी से इस तरीके से टक्कर लगाएंगे, और प्लास इसमें क्या करेगा कि प्लास से आप इसको पकड़ लेंगे और प्लास से इसको घुमाते रहेंगे और इस पर टक्कर लगाते रहेंगे। तो ये क्या करेगा कि धीरे 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 ईंट को काटते काटते छेद कर देगा। तो इसमें जो है कि इसको छेद करके आप गुल्ली पेच लगा सकते हैं, और इस साइड से भी माइनस साइड से भी आप यह काम कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है, इधर आपको प्लास से पकड़ लेना है और ऊपर से आप इस तरीके से टक्कर लगा लगा कर जो है कि होल कर सकते हैं। दीवार में होल करके आप गुल्ली पेच लगा सकते हैं। अगर आपका पेचकस इतना धंस चुका है दीवार में तो आप समझ लीजिए कि आपका गुल्ली पेच का तैयारी हो चुका है, क्योंकि 1.5 इंच का गुल्ली पेच लगाने के लिए इस पेचकस की सहायता से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप ड्रिल मशीन से ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जुगाड़ है जिसका कि मैं वीडियो यहाँ स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।